Assalamualaikum, beautiful people, welcome back to another vlog. जैसा कि आप देखते हैं, मैंने ले ली है टिकट्स। मैं हूँ यहाँ पर सालार जंग म्यूजियम में। तो अब हम जाने वाले सालार जंग म्यूजियम में, चेक करेंगे मेरे अपने शहर में। आइए मेरे साथ। अल्लाह रब्बी वल इस्लाम दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाह व यकीनी अदनु इलैही साजिदन बिजबीनी इक्बल सलाती वल सवाब दीनी या रब्बी या मन हुआ मुर्शिदी أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي कपड़े जो कि जरी के वर्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लुक जो अभी मैंने बताया आपको, ये जरी का काम था जो कि हैंड से करते थे जमाने में। तो आज भी जैसा कि हमारे लेडीज जो है बहुत ही शौक से जाके लेते हैं, वो है जरी का काम। ओहो अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये हुका जो कि जो है अरब कल्चर में बहुत ही एक तरीके से जो है ट्रेंड पे चलता है, और यहाँ पर हैदराबाद में तो हुके की बॉटल थे जिसमें जो है आपको मालूम है फ्लेवर रहता, वो हुके वो जो है एज लाइक स्मोकिंग की तरह रहता जिससे लोग जो है शौक के तौर पर यूज करते हैं हुका है। तो आगे देखेंगे, लेट्स सी अगेन दिस आर आल्सो हुका बॉटल्स, यू कैन सी हियर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु। अब बारी है हैदराबाद की जो है मशहूर शख्सियत जो असद बाबा है, उन्होंने जैसा शेरवानी पहनते, उनकी नहीं है, उन्होंने जो शेरवानी पहनते वो यहाँ पर है, वो ज़माने की शेरवानी। जी हाँ, यहाँ पर भी है एक शेरवानी जो कि अलग फैब्रिक्स में है और अलग कलर में है, और ये कुछ पीछे जो है वो ज़माने की कर्टन्स हैं, आप देख सकते हैं। ऐसी नो आज हमारे भाई आए हैं अल्ताफ भाई, उनकी जो है बहुत टाइम से बोल रहे थे सालार जंग म्यूजियम जाएंगे, तो आज जो है प्लान बना। आज देख सकते हैं भाई का आउटफिट भी माशाल्लाह। तो जी हाँ, ये है वो क्लॉक जिसके लिए सारी पब्लिक यहाँ पर गैदर होती है और वेट करती है कब घंटा हो जाए, कब एक घंटा पूरा हो और ये क्लॉक बजे, क्योंकि ये वो क्लॉक है जो सालार जंग थर्ड जो कि नवाब यूसुफ अली खान थे उनकी क्लॉक है, जो कि इंग्लैंड में जो है इसको बनाया गया था और कलकत्ता में इसको जो है असेंबल किया गया था। इसमें है टोटल 350 पार्ट्स जो कि इसको बनाती है बहुत ही स्पेशल, और दूर दूर से लोग यही क्लॉक को देखने के लिए खास तौर पर सालार जंग में आते हैं। तो रहीम है, तो करीम है, तो गफूर है, तो शकूर है, तो रहीम है, तो। तो जी हाँ, अब बारी है कुछ यहाँ के जो है स्टैचूज को देखने की, जो कि जो है 19th सेंचुरी के पूरे स्टैचूज हैं जो कि बने थे मार्बल से, आप देख सकते हैं सारे जो है बने थे। इम है, तो गफार है, तो कहार है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यहाँ पर तो है सारे स्टैचूज, मगर एक सवाल है मेरा तब भाई, आपका कौन सा स्टैचू फेवरेट है? हम जितने भी पोजेस हैं यहाँ पे कुछ फेवरेट है बोल के बता रहे हैं, देखेंगे क्या है, कहाँ है भाई बताओ आखिर। अच्छा है ये वाला, इनका कुछ फेवरेट है पूरा। मेरा मेरा कौन सा फेवरेट आपको बता दूँ, मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट मेरा जो है यहाँ पर एक पोज है, ये है हमारा फेवरेट पोज, क्योंकि मेरे को अच्छा दिखा। अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह।
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कीन का इस्तेमाल किया गया और ये सागवान की लकड़ी है। اكبر الله اكبر الله اكبر الله تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو غفور ہے تو شکور ہے تو رحیم ہے تو غفار یہاں پر ہے چیسٹ لوورز کے لیے چکن میں تو قہار ہے تو رزاق ہے رحمان ہے تو رحیم ہے تو غفور ہے تو شکور ہے تو کریم ہے تو غفار ہے رحمان ہے تو رحیم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں پر ہے چائنیز کے جو ہے کچھ ڈیکوریٹو آئٹم جو کہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے یہاں پر جاپانیز کا بھی ہے, ایسی ہے. पर है एलिफेंट के ट्रस्ट, यहाँ पर जैसे क्या हाथी के दांत से बने हुए चीज़ा है ये, और ये हाथी के दांत पे जो है ना डिजाइन किया गया है, थोड़ा जूम कर लिया. यहाँ पर जो है आप देख सकते कि हाथी के दांत पे जो है ना नक्काशी की गई थी. वाह, इस इज़ ऑन अनदर लेवल माशाल्लाह. ये इसको देखिए, हर चीज़ में ना कोई कोई एक मैसेज है. यहाँ पर भी जो है ना जापानीज को जो है बता रहे हैं कि जापानीज कल्चर कैसा होता है, اللہ اکبر اللہ اکبر. दोस्तों ये जो स्टिक्स है ये बने हुए रियल गोल्ड और सिल्वर के, जैसा कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है देख सकते हैं आप कि ये वो स्टिक्स है जो गोल्ड प्लेटेड एंड सिल्वर प्लेटेड, तो ये इसको बनाता है बहुत ही स्पेशल. वाह, अगेन 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 हम सब की जो है फेवरेट चीज़ जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर ने यूज़ किया था वो है यहाँ पर गन्स. ये है सोल्जर्स को जो है बता रहे हैं ایم ہے تو غفور ہے تو شکور ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ. جو دیکھیے آپ وہ تھے جو ہے وہ کوٹ اور جو ہے آرم بیلٹس جو کہ وہ ٹائم پہ یوز کرتے تھے جب وارس وغیرہ میں جاتے تھے واریئرس, اور یہ جودھا اکبر فلم جو دیکھے ان کو اللہ 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 رحمان ہے تو رحیم ہے تو غفور. میسور میں گیا تھا, وہاں پر تھے ٹیپو سلطان کا شہر, وہاں پر میں نے ان کے مقبرے کو بھی دیکھا تھا. اب یہاں پر میں معلوم ہوا کہ حیدر علی جو ان کے والد صاحب تھے جو کہ حیدر علی, ان کی یہاں پر ہے سوٹ جو کہ ابھی بتانے والا ہوں. شکور ہے تو غفور ہے تو رزاق ہے رحمان ہے تو رحیم ہے تو غفار ہے تو قہار ہے میرے مولا ہے تو غفار ہے رحمان ہے تو کریم ہے تو غفور. یہ ہے یہاں کے کچھ انڈین پینٹنگ جو کہ انڈین لوگوں نے کیے تھے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کاؤ اور کالف کو جو ہے پینٹنگ بتا رہے ہیں, اور یہاں پہ لائنس کے بغیر رکھی یہ کچھ اینٹیک پینٹنگ سے وہ ٹائم کے جو کہ بہت یونیک ہے. اب جیسا کہ یہاں پہ دیکھتے کپڑے پہ کیا گیا ہے, فیبرک پہ جو ہے پینٹ کیا گیا ہے.
जैसे कि आपको अभी बता रहा था सारे अल्लाहू